आज जातीय एकता दिवस लौहमानव सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती एकता दिवस भाव पालन कर विशेषकर गुजरात केवाड़िया में स्टाच्यू ऑफ यूनिटी में स्वतंत्र आयोजन और सीधासख चित्र देखुं प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर जो देश को बांटती और कमजोर करती है, लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा। हमें जवाब देना होगा भारत मां के संतान के रूप में, हमें जवाब देना होगा एक हिंदुस्तानी के रूप में, हमें एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है, यही नए भारत की ताकत है। साथियों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैं सरदार साहब द्वारा हमें सौंपे दायित्व को फिर दोहराना चाहता हूं। उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी भी दी थी कि हम देश की एकता को मजबूत करें, एक राष्ट्र के तौर पर देश को मजबूत करें। ये एकता तब मजबूत होगी जब हर नागरिक एक जैसे कर्तव्य बोध से ये जिम्मेदारी संभालेगा। आज देश इसी कर्तव्य बोध से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज देश में हर कोने में, हर गांव में, हर वर्ग के लिए और हर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के एक जैसी नीतियां पहुंच रही है। आज अगर गुजरात के सूरत में सामान्य मानवी को मुफ्त वैक्सीन लग रही है, तो अरुणाचल के सियांग में भी उतनी ही आसानी से मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध है। आज अगर एम्स गोरखपुर में है, तो बिलासपुर, दरभंगा और गुवाहाटी और राजकोट समेत देश के दूसरे शहरों में भी है। आज एक और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट की किसी रसोई में खाना बन रहा हो या तमिलनाडु की किसी सम्यल अरई में खाना बन रहा हो, भाषा भले अलग हो, भोजन भले अलग हो, लेकिन माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने वाला उज्ज्वला सिलेंडर हर जगह है। हमारी जो भी नीतियां हैं, सबकी नीयत एक ही है, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। साथियों, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने दशकों तक अपनी मौलिक जरूरतों के लिए भी लंबा इंतजार किया है। बुनियादी सुविधाओं के बीच की खाई जितनी कम होगी, उतनी ही एकता भी मजबूत होगी। इसलिए आज देश में सैचुरेशन के सिद्धांत पर काम हो रहा है। लक्ष्य ये कि हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए आज हाउसिंग फॉर ऑल, डिजिटल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, क्लीन कुकिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, ऐसे अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। आज शत प्रतिशत नागरिकों तक पहुंचने का यह मिशन केवल एक जैसी सुविधाओं का ही मिशन नहीं है, ये मिशन एकजुट लक्ष्य, एकजुट विकास और एकजुट प्रयास का भी मिशन है। आज जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए शत प्रतिशत कवरेज देश और संविधान में सामान्य मानवी के विश्वास का माध्यम बन रहा है। ये सामान्य मानवी के
आत्मविश्वास का माध्यम बन रहा है। यही सरदार पटेल के भारत का विजन है, जिसमें हर भारतवासी के लिए समान अवसर होंगे, समानता की भावना होगी। आज देश उस विजन को ले साकार होते देख रहा है। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हर उस समाज को प्राथमिकता दी है जिसे दशकों तक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। इसलिए देश ने आदिवासी के गौरव को याद करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। देश के कई राज्यों में आदिवासी स्वतंत्र संग्राम में उनकी भूमिका, उसको लेकर के म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। कल मैं यहां मानगढ़ जाने वाला हूं, उसके बाद मैं जामुगोड़ा भी जाऊंगा। मेरा देशवासियों से आग्रह है कि मानगढ़ धाम और जामुगोड़ा के इतिहास को भी जरूर जानें। विदेशी आक्रांतों द्वारा किए गए कितने ही नरसंहारों का सामना करते हुए हमें आजादी मिली है। आज की युवा पीढ़ी को ये भी सब जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम आजादी की कीमत भी समझ पाएंगे, एकजुटता की कीमत भी जान पाएंगे। साथियों, हमारे यहां कहा भी गया है, ऐक्यम बलम समाजस्य तद भावेश दुर्बलः, तस्मात् ऐक्यम प्रशंसन्ति दृढ़ राष्ट्र हितेषण। अर्थात किसी भी समाज की ताकत उसकी एकता होती है, इसलिए मजबूत राष्ट्र के हितेशी एकता की इस भावना की प्रशंसा करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। इसलिए देश की एकता और एकजुटता हम सबका सामूहिक दायित्व है। ये एकता नगर भारत का एक ऐसा मॉडल शहर विकसित हो रहा है जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अभूतपूर्व होगा। लोगों की एकता से, जन भागीदारी की शक्ति से विकसित होता एकता नगर आज भव्य भी हो रहा है और दिव्य भी हो रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा की प्रेरणा हमारे बीच में है। भविष्य में एकता नगर भारत का एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो अभूतपूर्व भी होगा और विश्वसनीय भी होगा। जब देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी मॉडल शहर की बात होगी, एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में बिजली बचाने के वाले एलईडी प्रकाशित किसी मॉडल शहर की बात होगी, सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में सोलर पावर से चलने वाले क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात आएगी, तो सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में पशु पक्षियों के संरक्षण की बात होगी, विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं के संरक्षण की बात होगी, तो सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। कल ही मुझे यहां मियावाकी फॉरेस्ट और मेज गार्डन का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। यहां का एकता मॉल, एकता नर्सरी, विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाला विश्व वन, एकता फेरी, एकता रेलवे स्टेशन, ये सारे उपक्रम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की प्रेरणा है। अब तो एकता नगर में एक और नया सितारा भी जुड़ने जा रहा है। आज मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। और अभी जब हम सरदार साहब को सुन रहे थे, उन्होंने जिस भावना को व्यक्त किया, उस भावना को उसमें प्रतिबिंब में हम कर रहे हैं। आजादी के बाद देश की एकता में सरदार साहब ने जो भूमिका निभाई थी, उसमें बहुत बड़ा सहयोग देश के राजा रजवाड़ों ने भी किया था। जिन राज परिवारों ने सदियों तक सत्ता संभाली, देश की एकता के लिए
एक नई व्यवस्था में उन्होंने अपने अधिकारों को कर्तव्य भाव से समर्पित कर दिया। उनके इस योगदान की आजादी के बाद दशकों तक उपेक्षा